सीधी बिजाई चाहे पानी बच जूगा आप साड़ी तो उम्र लंघ गई आने वाले बच्चों की पीढ़ी वास्ते पानी बच जूगा। पंजाब सरकार लगातार किसानों नूं झोने की सीधी बिजाई करन दी अपील कर रही है जिसकी शुरुआत अज खुद मुख्यमंत्री मान दे जद्दी पिंड स्तौर तों कीती गई है। इस दी तस्वीरां भी सामने आईयां ने जिन्हां दे विच देखिया जा सकदा है कि सीएम मान दी माता हरपाल कौर सने खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारी अते किसान झोने की सीधी बिजाई की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे ने। इस मौके माता हरपाल कौर वालों भी किसान भरावां नूं झोने की सीधी बिजाई करन दी अपील की गई। उन्हें कहा कि अजिहा करन नाल दिनों दिन हेठा डिग रहे पानी के पद्धर नूं बचाया जा सकता है ते आने वाली पीढ़ियां लई भी यह पानी की बचत हो सकती है। पहला तो आपां महाराज का नाम लेके सीधी बिजाई करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा नानक अगे बहुत सहारा दिंदा हुण भी थोड़ा सहारा देगा भी सीधी बिजाई च आपां पानी बच जूगा आपां साडी तां उम्र लंघ गई आने वाले बच्चों की पीढ़ी वास्ते पानी बच जूगा। असीं तां यही कहांगे भी भाई वध तों वध सीधी बिजाई करो जिहड़े गौरमेंट देगी वह सानू अड रहेगा जिहड़े ठेके वाले छड्डणगे वह सानू अड रहेगा 1100 रुपया पर किला। ठीक है चूहे बारी दवाई देती भी चूहे की दवाई पाओ बाकी कखा वाली स्परे नाल दी नाल करदे ने होर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी महाराज आप ही करूगा दाता करूगा जरूर करूगा। उधर सीएम मानदी पिंड सौज पहुंचे खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस तो पहला पूरे पंजाब दे विच 6 लाख हैक्टेयर रकबे विच झोने की सीधी बिजाई हुंदी सी पर इस बार 12 लाख हैक्टेयर दे विच सीधी बिजाई का टीचा है। उन्हां वल्लों भी किसानां नूं वध तों वध झोने की सीधी बिजाई करन की अपील की गई। अज असीं मतलब झोने की सीधी बिजाई संबंधी पिंड सौज विखे सरदार भगवंत सिंह मान जी की मतलब कि दिशा निर्देशों तहत मतलब शुरू की है। ये साढ़े मतलब कि इस कैंप मतलब कि असं लगा के उस फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसानों दे रहे हैं। इस दे विच सानू बड़ा ही मतलब हौसला मिलिया जो तो माता हरपाल कौर जी साढ़े नाल आए ने तो उन्होंने सानू उत्साहित किया किसानों भी ये बारे जो है ज्ञान दिता तो इन्होंने प्रेरित किया किसानों। मैं दसना चाहना भी पिछले साल जो पंजाब के 6 लाख हेक्टेयर रकबे के मतलब कि झोने की सीधी बिजाई की गई थी जबकि इस बार असी 12 लाख हेक्टेयर रकबे के झोने की सीधी बिजाई करने का टीचा मिथ्या गया। इस सीधी बिजाई के नाल अज मतलब कि साढ़े को यूनीवर्सिटी की मतलब कि डॉक्टर MS भुल्लर हैड एग्रोनमी तो डॉक्टर जसवीर सिंह यूनीवर्सिटी के मतलब कि साढ़े अपने खेती विभाग की टीम ने वह आईया ने उन्होंने किसानों को जानकारी भी दी है। ये वास्ते मैं थोड़ा दसना चाहना भी असी 3 पिंड के कलस्टर मगर एक एक मतलब कैंप है जोड़ा वह सारे पंजाब के असी ला रहे हैं तो मतलब किसानों ताकि ये बारे जानकारी आ वो असी मतलब दे सकी। इस तो अलावा जिहड़ियां मशीनां ने वो भी 2 तों 3 मशीनां प्रति पिंड दे विच असीं मतलब सप्लाई करनियां ने। अज पिंड सतौज दे विच भी असीं 2 मशीनां एक खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वालों तो एक मशीन होर जिहड़ी जगजीत ग्रुप वालों दित्ती गई आ वो असीं 2 मशीनां उरे पिंड दे विच होणगियां तो इसे तरह सारे पंजाब दे विच असीं जिहड़ा हैगा हर एक पिंड दे विच मशीनां मुहैया करनियां तां जो जिहड़ा साडा दिनों दिन पानी दा पद्धर नीचे जा रहा उहनूं असीं बचा सकीए। इस तो अलावा जिवें माता जी ने कहा भी आपां चूहियां दी प्रॉब्लम आउंदी आ चूहियां वास्ते दवाई है जिहड़ी उह खेतीबाड़ी विभाग वल्लों अरेंज करके किसानों नूं दित्ती जाऊगी। हरबीसाइड दवाई है वह भी इंतजाम है जोड़ा वो कर लिया गया किसानों पंपलेट वंडे जा रहे हैं वो तो वो प्रचार करके वट्सएप ग्रुपा के राही किसानों इस झोने की सीधी बिजाई राही मतलब भी अपने उत्साहित करने वास्ते कैंप ने जोड़े वो लाए जा रहे हैं तो काम जो खेतीबाड़ी विभाग वालों व्डे पद्धर के उत्ते किया जा रहा। पत्रकारों नाल गलबात करदे हुए किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का धन्यवाद किया। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि जेकर किसान झोने की सीधी बिजाई करनगे तां किसानों नूं कोई नुकसान नहीं होगा सगों पानी की बचत के नाल नाल फसल का झाड़ भी वध मिलेगा। पिछली बार मैंने 4 किले बिजाई सीधी बिजाई करी 23 तरीक नूं जी 23 मई नूं ते बहुत वधिया झाड़ होया जी 97 गट्टे निकले जी ते 15 दिन पहला मंडी के 15 दिन पहला आ गई सी जी ऊसा जीरी 44 अभी तो 8 किले कर रहे हैं जी 4 किले मूंगी के बीजे ने जी 5.5 किले मक्की ने तो मुख्यमंत्री साहब का बहुत धन्यवाद। सारे किसानों यही समय तुम जाना बच्चों वास्ते बचा के रखना पानी बचा के रखना तो सूँ सीधी बिजाई करनी पेगी पानी की बचत करो बच्चों फिर ही पाल सकते जमीन जे उपजाऊ रहनगियाँ पानी रहेगा तो ही उपजाऊ रहनगियाँ जमीन ही रेट रहने नहीं तो रास्ता बनी जाना एकदम।
ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 2015-16 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 80-85 ਮਿੰਟ ਦਾ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੀਲੀ ਊਸ਼ਾ ਤੇ 201 ਵਗੈਰਾ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਰੌਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਰੌਣੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਡਬਲ ਰੌਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੌਣੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਦੀਨ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਦੀਨ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਰੌਣੀ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਦੀਨ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 0% 1% ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹਰੇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ 1% ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਚਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।